खबर है मिर्जापुर से। गुरु पूर्णिमा पर्व पर जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। भोर की मंगला आरती के साथ ही दर्शन को कतारबद्ध हैं श्रद्धालु। विंध्याचल के तीर्थ पुरोहित ने बताया कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, इसलिए आज यहाँ भक्त अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी शिष्य अपने गुरु के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित है जगत जननी माँ विंध्यवासिनी का मंदिर। माँ विंध्यवासिनी को आदिशक्ति भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ के आदेश पर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस संसार और संसार में रहने वाले प्राणियों की रचना की है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर भोर की मंगला आरती के साथ ही माँ के दरबार में माँ के दर्शन पाने के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लग गई हैं। जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज के दिन लाखों की संख्या में भक्त यहाँ माँ का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। तीर्थ पुरोहित पंडित दिलीप त्रिपाठी ने बताया कि बच्चों की प्रथम गुरु उनकी माँ होती है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसलिए देश के कोने कोने से बच्चे अपने माँ का दर्शन पूजन करने के लिए विंध्यवासिनी दरबार में आए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज कुमार। पंडित दिलीप त्रिपाठी, विंध्याचल धाम, माँ शक्तिपीठ विंध्याचल धाम। कौन सा पर्व है आज जो काफी भीड़ है यहाँ, और क्या मान्यता है आज के दिन दर्शन करने से भक्तों का मनोवांछित फल प्राप्त? भगवती आज शक्ति का दरबार है माँ विंध्यवासिनी का। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। सबसे बड़ी गुरु तो माँ होती है, इसलिए भक्त लोग आए हैं माँ के चरणों में शीश नवाने, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। उनका जिंदगी का रास्ता जो प्रशस्त हो, उन्नति का मार्ग खुले और बौद्धिक उनका विकास हो, इसलिए भक्तों की आज ज्यादा भीड़ माँ के दरबार में देखने को मिल रहा है।